Assalamu alaikum everyone, welcome to our channel Kashmir Valley Kitchen. Click on the subscribe button and press the bell icon to remain updated. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कश्मीर की बहुत फेमस रेसिपी जिसको कश्मीरी में वाज कोकर कहते हैं। ये कश्मीर में शादियों में सर्व किया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी डिश बनता है। और मैं आज आपको दिखाऊंगी ये वाज कोकर कश्मीर में कैसे बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। वाज कोकर या वाज चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg चिकन, जिसको मैंने साफ करके 4 बड़े पीसेस में कट किया है। और वाज कोकर तैयार करने के लिए मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, शैलड या प्रॉन, जिसको मैंने फ्राई करके पेस्ट बनाया है। अगर आपके पास ये शैलड ना हो तो आप एक ओनियन का पेस्ट भी फ्राई करके बना सकते हैं। और मैंने लिया है साल्ट, सौंफ पाउडर, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर या क्लोव, सिनेमन स्टिक, ज़ीरा, घी, बड़ी इलायची, जिंजर पाउडर या शोंट, ब्लैक पेपर, फूड कलर एंड गार्लिक पेस्ट। ले रही हूँ पैन जिसमें मैंने ऑयल लिया है। इसके लिए हमें ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है क्योंकि हमें चिकन को डीप फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको हम अब तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन दोनों साइड से बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने लिया है प्रेशर, इसमें मैंने फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस ऐड किए हैं। आप किसी और वेसल में भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक एक करके पहले मसाले ऐड करूंगी। इसमें डालेंगे हम 3 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक 2, ग्रीन कार्डमम 4-5, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स 1/2 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1 स्पून, जिंजर पाउडर 1/2 स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 स्पून, साल्ट एज पर योर टेस्ट मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, और प्रॉन 1 टीस्पून, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और गैस को ऑन करेंगे। एक लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको धीरे धीरे करके मिलाएंगे मसालों को। याद रहे हमें फ्लेम हाई ही रखनी है, हमें लो फ्लेम पे नहीं रखना है। अच्छे से मिलाएंगे
इसमें एक कप ऑयल ऐड करेंगे। फिर से मिलाएंगे। दो तीन ड्रॉप्स हमने फूड कलर लिए हैं पानी में मिला के, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। और ऊपर से लिड बंद रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें घी के 2 स्पून ऐड करेंगे। और इसको तब तक बॉयल होने देंगे जब तक इसकी सारी ग्रेवी रिड्यूस नहीं होती है और ये सॉफ्ट नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी रिड्यूस हो गई है और हमारा वर्स कॉकुट बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा वर्स कॉकुट बिल्कुल रेडी हो गया है और इसको मैंने बादाम और कोरिएंडर लीव से गार्निश किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।